बांदा कलेक्ट्रेट परिसर पर आज जिला अधिकारी हीरा लाल के द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया है कि आने वाले 10 फरवरी को कलिंजर किले में अरहर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 75 जिलों से एक एक कृषि विशेषज्ञ को बुलाया जा रहा है, जिसमें से हम लोगों ने 125 लोगों की सूची बनाई, जिनको बांदा के कलिंजर किले में सम्मानित भी किया जाएगा और वह अपने अपने जिले की फसलों के बारे में यहाँ के किसानों को बताएंगे। यहाँ के किसान भी अपनी फसलों में अच्छी उपज पैदा कर सकें। जब यहाँ के किसानों की फसलों में उपज अच्छी होगी तो बाहर से आने वाले लोग यहाँ अरहर दाल खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनको उनकी उपज की कीमत भी अच्छी मिलेगी। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए 10 तारीख को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पल्सेज डे मनाता है, एक बार तो 10 फरवरी को जो हम लोग एग्री टूरिज्म के सहारे जो हमारा कारीगर कोर्ट है वहीं पे एक हम लोग अरहर सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना किया जाए, ठीक है। तो ये जो दोगुना आय करने का लक्ष्य है इसी को प्राप्त करने की दिशा में हमारा ये प्रयास है। हम लोग यहाँ हमारे बांदा के बारे में लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ की दलहन की फसल बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो ऑलमोस्ट जैविक है, ये पता नहीं है। यहाँ चना, अरहर, सरसों, तिल, नरेनी का गुड़ बड़े अच्छे क्वालिटी का और बहुत अच्छा है। हम ये अरहर सम्मेलन से किसानों की अरहर से आय बढ़ाना चाहते हैं। अरहर सम्मेलन कर रहे हैं अरहर के खेत में, जहाँ हमने ये स्थल चयन किया उसके चारों तरफ अरहर की बहुत फसलें होती हैं जिसे लोग प्रैक्टिकली देख सकें, और जो हमारे अरहर सम्मेलन में आएंगे और वहीं लगे हाथ कालिंजर फोर्ट का भी दर्शन करेंगे तो एग्री टूरिज्म का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये जो हमारी अच्छी फसलें हैं दलहन की, इसको 10 फरवरी को इस पर कीवर्ड पल्सेज डे है, हम पूरे इंडिया लेवल पे विश्व लेवल पे अपनी इस अच्छी फसलों की ब्रांडिंग करना चाहते हैं। जब हमारी इन अच्छी फसलों की ब्रांडिंग हो जाएगी तो सभी लोग हमारे इन फसलों को खरीदने के लिए बांध आएंगे। किसी को अच्छी दाल चाहिए बांध आएगा, अच्छा सरसों चाहिए बांध आएगा, अच्छा चना चाहिए बांध आएगा। और जब एक बार मांग बढ़ जाएगी तो जो ये बेचने की समस्या है या कम कीमत मिलने की समस्या है ये दूर हो जाएगा। हाँ, इसमें हम लोग 6 पद्मश्री जो खेती बाड़ी में इससे जुड़े लोग हैं, जैविक खेती में पाए हैं, उनको बुला रहे हैं, उनके अनुभव वो शेयर करेंगे। करीब 10-12 स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे हर जनपद के 75 जनपद उत्तर प्रदेश के एक एक अच्छे कृषक जिसने अपने जनपद में बहुत अच्छा काम किया उनको बुला रहे हैं, या पीओ के लोगों को बुला रहे हैं और जैविक खेती वालों को बुला रहे हैं। लगभग हम लोग ऐसे पूरे 125 लोगों की हम लोगों की अभी सूची है जिनको कि हम सम्मानित भी करेंगे, जिससे हमारी ब्रांडिंग में वो लोग सहयोग दें, उन्हें पता लगे कि बांदा में तो ये भी अच्छी चीज़ है, वो लोग भी अपने जनपदों में इसका फायदा उठाएंगे। जहाँ तक बात है सेलिब्रिटी की, अभी आपको पता है कि पानी पे हम लोग करीब 1.25 साल से काम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले महीने राजीव श्रीवास्तव जी को बुलाया था, इसी महीने बुलाया था ना, या पिछले महीने बुलाया था, पिछले महीने राजीव श्रीवास्तव जी को बुलाया था। तो ब्रांडिंग करने में जो इस तरह के सोशल अच्छे सेलिब्रिटीज हैं उनकी मदद मिलती है, इसी नज़रिए से हम लोग इसमें भी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के टच में हैं, लेकिन चूंकि समय कम मिला इसमें और लोगों का एंगेजमेंट है, अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, अगर कोई मिल जाएगा तो हमारा और अच्छा होगा और नहीं मिलेगा तो हम लोग ये काम करेंगे। और एक अच्छा प्रयास, इनकम बढ़ाने का एक अनूठा प्रयास, इनोवेटिव आइडिया है जो 2022 के लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा।